दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिर्फ 20,000 में HF डिलक्स बाइक, 0% ब्याज, प्राइस 77,000 इसकी अनलोड है, 20,000 DP देने पर 1 साल से 3 साल की किस्त की पूरी जानकारी हिंदी में भी आपको देने वाले हैं। और उसके बाद दोस्तों आप इस बाइक को अगर फाइनेंस पर लेना चाहते हैं तो 20,000 डाउन पेमेंट देने के बाद 1 साल से 3 साल की किस्त की फाइनेंस प्राइस, सारी डिटेल्स आपको 0% ब्याज की स्कीम सहित आपको हम बताने वाले हैं और डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा ये भी आपको हम बताएंगे। तो उससे पहले अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें दोस्तों। तो ये है हीरो की HF डिलक्स i3S मॉडल, ऑन रोड प्राइस 77,000 और इसकी जो माइलेज है दोस्तों वो इस बाइक में 60 to 70 माइलेज मिल जाता है बहुत ही आराम से। और उसके बाद इस बाइक में फ्रंट पर अगर आप देखोगे तो हैलोजन बल्ब आपको 35 वाट का मिल जाता है, 9 वाट का बल्ब इंडिकेटर वाले मिल जाते हैं और 3 सीटर ये बाइक है दोस्तों, आप देख सकते हो 3 लोग आराम से बैठ सकते हो, लॉन्ग सीट इस बाइक में मिल जाता है। इस बाइक में दोस्तों काफ़ी अच्छे फीचर्स के साथ यहाँ पर 10 लीटर पेट्रोल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है जो कि बहुत ही बेस्ट लुक में यहाँ पर फ्यूल टैंक का कैप मिल जाता है। और इस बाइक को इजीली राइड करना बहुत ही आसान है और इस बाइक में आपको सारी चीज़ों को एनालॉग फीचर से ऐड किया गया है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस बाइक में i3S टेक्नोलॉजी मिल जाता है। साइड प्रोफाइल देखोगे तो और फ्रंट पर देखोगे तो यहाँ पर 2/75/18 का ट्यूब वाले टायर, अलॉय व्हील के साथ, ड्रम ब्रेक 130 mm के साथ, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन से मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर राइट प्रोफाइल देखोगे तो काफ़ी मस्कुलर लुक इस बाइक को बनाया गया है। कम्यूटर बाइक की सेगमेंट में यानी 110 cc की सेगमेंट में काफ़ी अच्छी कम्यूटर बाइक है और इस बाइक में ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा मिल जाता है कि आप इसको चाहे जितनी ख़राब सड़क हो अगर आप इस बाइक को चलाते हो तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होती है चाहे जितनी ख़राब सड़क हो। तो इस बाइक को दोस्तों आपने जाना और इस बाइक का जो इंजन है वो 97.2 cc सिंगल सिलेंडर OSC एयर कूल किक और सेल्फ दोनों स्टार्ट के साथ FI फ्यूल इंजेक्टर वाली ये बाइक है। जब से दोस्तों फ्यूल इंजेक्टर आया है तो बहुत सारे लोगों की कुछ शिकायतें भी हैं बट सब कुछ ठीक है दोस्तों, कंपनी को ये अपडेट गवर्नमेंट के हिसाब से सरकार के कहने से ही करना पड़ता है, कोई कंपनी अपना नुकसान नहीं करना चाहती। और 4 गियर आपको इस बाइक में मिलता है, साइड स्टैंड कट ऑफ इंजन का फीचर भी मिल जाता है इस बाइक में, आपको पीछे ही 4 गियर लगाने हैं। और इस बाइक में दोस्तों कार्बोरेटर हटा दिया गया है गवर्नमेंट के कहने से और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो फाइबर का चेन कवर इस बाइक में मिल जाता है। और उसके बाद 2-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक शॉक अब्जॉर्बर पीछे का सस्पेंशन, इस बाइक में अभी भी आपको ट्यूब वाले ही टायर देखने को मिलेंगे। अब इस बाइक का अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों डाउन पेमेंट का, तो 20,000 यानी कि 20,000 डाउन पेमेंट देने के बाद आपका कितना EMI आएगा, कितना किस्त आएगा, 1 साल से 3 साल की पूरी जानकारी आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उससे पहले दोस्तों आपका चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके MK मोटो ब्लॉग्स को आप अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो दोस्तों इस बाइक की जो प्राइस है वो ऑन रोड है 77,000 और इसका जो DP है डाउन पेमेंट वो है 20,000 यानी कि 20,000। तो 20,000 डाउन पेमेंट देने के बाद 12 महीने के आपको 6,300 रुपये देना है यानी कि 1 साल की किस्त जो है वो 6,300 महीना और 24 महीने की अगर हम बात करें यानी कि 2 साल की तो 2 साल की जो किस्त आएगी वो 3180 रुपये आएगी दोस्तों, यानी कि 3,180 रुपये आपका 24 महीने देना पड़ेगा। और 30 महीने की अगर हम बात करें यानी कि 2.5 ईयर्स की तो 2.5 साल की आपको 2670 रुपये देना पड़ेगा, 30 महीने की जो किस्त आएगी वो आएगी आपको 2670 ढाई साल में। और 3 साल की अगर हम बात करते हैं तो 3 साल की जो किस्त है वो 2336 रुपये, 2336 रुपये आपका आएगा 36 महीने का यानी कि 3 साल का। तो चलिए फिर से हम आपको एक बार रिटर्न बता देते हैं, तो 12 महीने की जो किस्त आएगी वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। तो अब आपके स्क्रीन के सामने है 12×6300 यानी कि 12 महीने की किस्त 6300 आएगी और 24 = 3180 यानी कि जो है 24 महीने की आपको 3180 रुपये देना है और 30 महीने की यानी कि जो है 2.5 साल की आपको 2670 देना है और 3 साल की जो किस्त है वो 2336 रुपये, 2336। तो इस तरह से आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और रिटर्न वीडियो भी आप दे सकते हो कि आपका इस तरीके से 20,000 डाउन पेमेंट देने के बाद इस HF डिलक्स सबसे टॉप मॉडल का EMI आपका आएगा, ठीक है, 12, 24, 30, 36। तो ये सारी डिटेल्स आपके सामने हैं। अब चलिए हम बात कर लेते हैं इस बाइक में आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या देने हैं फाइनेंस पर लेने के लिए, ठीक है, तो वो भी आपके स्क्रीन सामने है। तो फाइनेंस पर लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स लगेगा आधार कार्ड, 2 फोटो, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, ये डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। और उसके बाद दोस्तों अगर आपके पास अगर ये जो स्कीम चल रही है अभी तो आप आधार कार्ड से भी ले सकते हो, वो आपको फिर कैश में जमा करना पड़ेगा EMI यानी कि बैंक से आपका नहीं कटेगा, ठीक है, बाकी आधार और फोटो ये आपका लगेगा। तो ये हुआ और 0% की स्कीम अगर आप चाहते हो, 0% ब्याज
तो फिर उसके लिए आपको कम से कम 50,000 का डाउन पेमेंट इस बाइक के लिए करना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेंगे और कम से कम डाउन पेमेंट जो आपको देना पड़ेगा वो 50,000 0% ब्याज के लिए। तो ये दोस्तों एक साल से तीन साल की किस्त 20,000 में एचएफ डिलक्स की पूरी जानकारी मैंने दिया। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।